और यह त्योहार चार दिनों का है। भैया हिंदुज के तीसरे दिन से यह आरंभ होता है। तीसरे दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में यह पूजा होती है वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अनंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है। एक नहाए खाए पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है। इसके पश्चात चतुर्थी स्नान कर पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ हलवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण किया जाता है। यह दाल चने की होती है। छठ का पहला दिन दिवाली से ठीक चार दिन खराब शुरू होता है और चार दिन तक रहता है। इस दिन जो लोग उपवास करते हैं वे नदी या तालाब में स्नान करते हैं और दोपहर का भोजन तैयार करते हैं। चावल दाल मिश्रित कद्दू के साथ मिश्रित दाल दो लोहंडा और खरना। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रतधारी दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम लगभग 6 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करते हैं, जिसे खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को बधाई दी जाती है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने हुए चावल की खीर के साथ दूध चावल का पिट्ठा और घी चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक या चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन दिवाली से पांचवें दिन खरना या खीर रोटी के रूप में जाना जाता है, जिसमें यह चैत्र के महीने में भी मनाया जाता है। रोटी और खंडी चावल के पानी के बजाय मीठे दूध के साथ तैयार किया जाता है। लोग पूरे दिन तेजी से पानी लेते हुए उपवास करते हैं और बढ़ते चंद्रमा और देवी गंगा को चढ़ाने के बाद रात के खाने के रूप में इस खुद रोटी खाते हैं। यह एकमात्र समय है जब वे छठ के अंतिम दिन तक दिन की शुरुआत से कुछ भी खाते हैं या पीते हैं। 3 संध्या अर्घ्य तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को दिन में छठ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, जिसे कुछ क्षेत्रों में टिकारी भी कहते हैं, के अलावा चावल के लड्डू, जिसे लड़ुआ भी कहा जाता है, बनाते हैं। इसके अलावा चढ़ावा के रूप में लाया गया शिक्षा और फल भी छठ प्रसाद के रूप में शामिल होता है। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप पकाने जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सभी लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती एक नियत तालाब या नदी किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ्य दान संपन्न करते हैं। सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया की प्रसाद भर सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटों के लिए मेले जैसा दृश्य बन जाता है। तीसरे दिन मुख्य त्योहार दिवस दिवाली से ठीक 6वें दिन है। तब तीसरे दिन निर्जल व्रत व्रता पानी की बंद लेने के बिना तेजाय रखते हैं। 4 उषा अर्घ्य चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। व्रती वहीं पुनः इकट्ठा होते हैं जहाँ उन्होंने पूर्व संध्या को अर्घ्य दिया था। पिछली शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। सभी व्रती और श्रद्धालु घर वापस आते हैं। व्रती घर वापस आकर गांव के पीपल के पेड़, जिसको ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वहां जाकर पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत पूर्ण करते हैं, जिसे पारण या परना कहते हैं। छठ के चौथे या आखिरी दिन पर उगते सूरज के लिए अर्घा की पेशकश के बाद उपवास खत्म हो जाता है। इस तरह लगभग 42 घंटे सख्त तपस्या खत्म हो जाती है। मित्रों, आज हमने जाना छठ किस प्रकार मनाते हैं। इसके चारों भाग जैसे नहाए खाए, लोहंडा और खरना, संध्या अर्घ, उषा अर्घ, इन चारों के बारे में हमने विस्तार से जाना। कैसे हमारे व्रती करते हैं, हमारा क्या रोल होना चाहिए,
आपने संपूर्ण वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं।